तैयार गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर दा किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। आप सभी को और जबलपुर के सभी लोगों को, प्रदेश के सभी लोगों को असीम शुभकामनाएं और बधाई। हम सौभाग्यशाली हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन हम में से अनेक शायद इस बात को नहीं महसूस करते। ये स्वतंत्रता हमें बहुत आसानी से नहीं मिली, ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, बड़ी संख्या ऐसी है जिन्हें हम जानते भी नहीं, जिन्हें हमने सुना भी नहीं। उन सबके प्राणों के बलिदान के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली और आज हम गर्व के साथ में ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी यहाँ पर मैंने पढ़ा है और ये जो संदेश है ये विकास, अंत्योदय और आस्था का अनूठा संगम है। इस संदेश से ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश एक नई इबारत लिखने जा रहा है, जहां विकास भी होगा, पीड़ितों शोषितों को उनके अधिकार भी होंगे और उसके साथ साथ आध्यात्म और आस्था का वो मार्ग जिसे अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों ही अयोध्या में प्रभु श्री राम को उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करके प्रारंभ किया है, उस मार्ग पर आगे चलकर हम सभी राम राज्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और सच कहें तो राम राज्य तो 2014 से ही प्रारंभ हो चुका, लेकिन वास्तविक रूप से अब राज्याभिषेक हो गया और इसलिए देश अब राम काज की ओर, और राम काज का मतलब है गरीबों को न्याय, पीड़ितों को न्याय और समाज के सभी वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाना और विकास की धारा समान रूप से देश के हर हिस्से तक पहुंचाना, उस दिशा में ये प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। आज के संदेश का यही सार रहा है। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानव्यापी सर्वे पर सर्वे आया है और उन्होंने कहा कि मंदिर से अरे आईडी नीचे करो ना थोड़ी आशा न्यूज 18 आईडी नीचे। देखिए देश में उस दौर में देश में आतंक का दौर था, एक तरीके से देखा जाए तो एक लंबी गुलामी का दौर था, तब बहुत सारी इतिहास में गलतियां हुई, देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ बहुत अन्याय भी हुआ। और अब अगर अदालत ने ये कहा है ज्ञानवापी सर्वे में जो समिति बनाई थी, जो टीम बनाई थी सर्वे वाली, उस टीम ने अगर ये जानकारियां दी जैसा मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है तो स्वाभाविक है आगे आने वाले समय में अदालत उसके मामले में निर्णय करेगी और जो निर्णय करेगी उस दिशा में देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।